परमदयाल जी महाराज मानव कलंदर चार को 14 दिसंबर 1970 करने लगे थे उस वक्त तुम्हारे अंतर तुम्हारी जुबानी मेरा रूप पर हुआ और उसने कहा था जाप जाप जाप
जागने का वक्त आ गया। क्योंकि मेरा रूप प्रकट हुआ तुम्हारे अंदर, तुमने फिर मेरे सत्संग सुने और तुम मेरे बंधन में आ गए। मैं खुद इसी तरीके से 1905 में जब संसार में दुखी था, अशांत था, एक दृष्ट द्वारा दाता का रूप प्रकट हुआ, उनके बंधन में आ गया। मैं ही नहीं आया, ये तमाम मानव जाति कोई राम के बंधन में, कोई कृष्ण के बंधन में, कोई हजरत मोहम्मद के बंधन में, कोई गुरु नानक के बंधन में, कोई हनुमान के बंधन में, कोई ईसा मसीह के बंधन में, इन बंधनों का नतीजा भारत वर्ष के इंसानी नस्ल का मजबी ताल से बच जाना। बंधन में आनंद भी है, खुशी भी है। बंधन में आनंद भी है, खुशी भी है। ये कौन कहता है कि बंधन में सुख भी है, आनंद भी है। ये बंधन को अगर कोई निर्बंध पुरुष नहीं मिलता, जो इंसान के बंधनों को जला दे, उसको शांति मिले। बंधन में आनंद है, मगर उस आनंद का नतीजा दुख भी है। आदमी आरोप के बंधन में फंस जाता है, आनंद लेता है, खुशी के काम खोजता है, मगर समय के बाद वही स्त्री जो बंधन का कारण हो जाती है तो मजबूर के लिए आती है। ऐसे ही दौलत का बंधन, दौलत के बंधन के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये संसार ही ऐसा है, मगर जब ये बंधन गहरा पड़ जाता है, यही दौलत आदमी के दुख का कारण बन जाती है। तो मैंने अपनी जिंदगी में बंधन में फंसा हुआ था, वो बंधन मेरे आनंद का कारण, खुशी का कारण, प्रेम का कारण, भक्ति का कारण भी बना। मगर अज्ञान की वजह से शांति नहीं मिली। कुदरत ने इस वास्ते बना के इस संसार में संसदी वक्त की हैसियत में भेजा है कि मैं संसार के प्राणियों को
बंधन का सुख और बंधन के सुख के रूप बता दें। बंधन रहे मगर बंधन को गले का हार नहीं बनाना चाहिए। बंधन हम इस वास्ते बनते हैं कि हमको सुख खुशी आनंद मिले, मगर अगर उस बंधन के रूप को नहीं समझा हुआ तो बंधन समय पर आकर हमारे दुख का कारण बन जाता है। इंसान किसी मजहब में, किसी पंथ में बन जाता है। अगर उस बंधन के रूप का पता नहीं है उसमें दासत्व आ जाता, पक्षपात आ जाता, फिर मजहब वालों के आपस में झगड़े होते हैं, फिर फटते हैं, फिर फटते हैं। ऐसे ही स्त्री जाति स्त्री का बंधन, दावत का बंधन, पुत्र का बंधन, मजहब का बंधन, धर्म का बंधन, कर्म का बंधन, बंधन के व्यवहार तो गुवारा नहीं है मगर बंधन के रूप को समझे। इसलिए तुम मेरे से संग में आए, मैंने एक बंधन के रूप को बताने के लिए अपने जीवन में काम किया। शिव प्यार मनुष्य बनो, ये आप लोगों की तेज विकास संदीप में मजबूत देखता हूँ। अपने स्वास्थ्य कैसे फल कर सिर्फ इस ख्याल से कि जीवों को जो इस मोह भरम और बंधन इन दुखों से दुखी हो जाते हैं उनको बंधनों का रूप पता लग जाए तो वो बंधन में रहते हुए निर्बंध हो जाए। बंधन जब तक जिंदगी है बंधन के बगैर गुजारा नहीं। ये संसार ही माया का है, काल का है, यहाँ बंधन के बगैर गुजारा नहीं है मगर उसके रूप को पहचान लिया जाए। यही नामा है गुरु। एक तो एक बंधन में तुम आए, दूसरा बंधन तुमको क्या है। कल तुमने मुझको बोला मैंने अनघटिया देवा पर सत्संग कराया, तुमने कहा मैं कल से शब्द को रात से तलाश करता था, दादाजी को कहूंगा तो इस पर सत्संग मुझे तो पता नहीं। मैं कल घर से मानसा मंदिर में आया, भंडारों को बोला यू शब्द ने कहा और तुम बड़े चकित हो गए, हैरान हो गए कि बाबा ने जो कुछ मेरा अपना ख्याल था उसी पर प्रसंग करा दिया और तुम मुझे अंतर्यामी समझने लगे। और भारतवर्ष के मानव जाति मेरे शरीर को कुछ परिनगर में झूठ बोली, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा संकल्प है या तुम्हारी इच्छा है। वो स्वाभाविक ही
क्योंकि रात को मैंने एक स्वप्न देखा था जैसा मैंने कल ध्यान किया, क्योंकि अनुभव वो था उस आधार पर मैंने उस सभी को कहा निकाली और सत्संग करा दिया। अगर तुम या दूसरे आदमी ऐसे वाक्यात मेरे साथ हर रोज होते रहते, ऐसा समझ करके मुझको अंतर्यामी समझ के समझोगे तो तुम हरत की करके मेरे बंधन में आ जाओगे। तो गुरु का क्या काम है करो क्या खबर है पहला गुरु मिला तब जाने मिटे मोहन ताप हर के चौक जाते नहीं तब गोरे आपे आप। वो असली और सच्चा सद्गुरु है भारतवर्ष के आदमियों, तुम्हारा अपना ही मित्र रूप है, क्योंकि तुमको या वीरों को अपने ही मित्र रूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने आप को भूल कर हम संसार के बंधनों में आ जाते हैं। अब तुम सवाल करो कि ऐसा क्यों होता, इस संसार के अंदर इंसान खुद पूर्ण है, ये मालिक की अंश है, इसके अंदर जो सोच रहती है वो उस परम तत्व आधार की अंश है। वो एलिनेशन के सिलसिले में इस शरीर में आ जाती है और अनेक प्रकार के बंधनों में फंस जाती है, इनसे निकलना मुश्किल हो जाता। उसके निकालने के लिए हमेशा वो ताकत जिसको सत ज्ञान कहते हैं मुख्य रूपों में समय समय पर प्रगट होकर जो इस तरह से अशांत दुखी भ्रांतवादी होते हैं उनके सुधार के लिए प्रगट होती है। डिमांड एंड सप्लाई का कानून इस संसार में काम करता है। ये सब संसार धारों और किरणों बूंदों का बना हुआ है, ऊपर के लोगों में भी और नीचे के लोगों में। जैसी जैसी वासना किसी की होती है इसके मुताबिक उसको वासना को पूरा करने के लिए कुदरत खुद खुद इंतजाम करती है। क्योंकि तुम्हारे अंतर में वो ख्याल था अपने जन बुरे कर्मों की वजह से और तुम इस शरीर को त्यागना चाहते थे, तो जहां से वो ख्याल जो दुखी करने वाला था उसको दूर करने का इलाज कुदरत ने तुमको देना था, इसलिए तुम तुम्हारे अंतर में कुदरती नियम के अनुसार मेरा रूप प्रकट हुआ। मुझे कोई पता नहीं था ना मैं मेरे अंतर किया,
ये सारा संसार डिमांड एंड सप्लाई का है, मांगो और मिलेगा। तो मैंने ये काम जो किया है इसलिए किया, तुम मेरे पास आए मैंने तुमको आजाद करने के लिए पांच सत्संग। कभी जिंदगी में मौका मिले तो इनको किताबी शक्ल दे देना, उस किताब का नाम रख देना पूर्ण ज्ञान। ये जितना संसार के अंतर खेल है ये सब डिमांड एंड सप्लाई है, मांगो और मिलेगा। कभी तो मैं नहीं वक्त के संसद गुरु की हैसियत ने बहुत काम किया है, मगर दुनिया इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। इनके दिलों के ऊपर मुख और भ्रम और अज्ञान अंधेरा छाया हुआ है। मेरे गम में झूठे जाता जा रहे निबल अबल और ज्ञानी जीवों की मदद करने का हुक्म दिया था, इसलिए मैंने ये काम किया। तो अब कबीर कहता है गुरु से गुरु क्या करता है, गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हर से शोक जाते नहीं तब गोरे आपे आप। गुरु जब मिलता है जैसी जैसी डिमांड होती है उसको वैसा गुरु इस संसार में मिलता, जैसा जिसकी वासना होती है वैसा ही उसको गुरु मिला सकता। गुरु का एक रूप तो है नहीं, एक रूप है अनेक रूप है। डिमांड तो पूरा गुरु कौन होता है जो पूरा ज्ञान देता है, वो आगे नादी बिंदी बामिले कर कोई तखत तले का ना मिला जाते पूछूंगे। कबीर कहता है गुरु बहुत अहम संसार में, नाद और बिंदु का क्या मतलब है मुझे पता है। मैं ये समझता हूँ नाद वो है जो शब्द का अभ्यास करते हैं, बिंदु वो है जो ध्यान योग बताते हैं। बिंदु कहते हैं नृत्य को, ओम की बिंदु होती है। वो कहते हैं शब्द अभ्यास करने वाले बसेरे मिलते हैं, शब्द अभ्यास देने वाले बहुत गुरु मिलते हैं, ध्यान बताने वाले बहुत गुरु मिलते हैं, मगर सख्त तले का कोई नहीं। सख्त तले का क्या मतलब, जो उस मालिक परम तत्व जो असली परम तत्व है, अकाल पुरुष, अनाम पुरुष, अगाध पुरुष, अपार पुरुष, जो उसके मातहत रहता है, ऐसा कोई तुम कहोगे तुमने जो शब्द अभ्यास देते हैं उनको भी अपनी अकली दलील से साबित कर दिया कि वो भी गलती कर रहे हैं। मैं कहता हूँ गलती कर रहे काफी नहीं है,
अनुभव की जरूरत है। कल मारे तुमको ही सत्संग दिया था वो मिलने का, स्वामी जी ने लिखा था ना, सुदर्श शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो बड़ा भरम के गुरु। शब्द योग से जब तक अनुभव पैदा नहीं होता, जब तक शब्द योग भी दुख का कारण बन जाता है। शब्द योग या योग जितने भी हैं, ये मंजिले मकसूद नहीं है, ये मीन्स हैं, जरिए हैं ज्ञान की हासिल करने। ऐसा ही ध्यान योग है। ज्ञान योग से शांति है, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, ठहराव मिलता है, मगर सिर्फ ज्ञान योग के ज्ञान ज्ञान के हासिल करने के लिए पूरे गुरु की जरूरत है। इसलिए मैंने दुनिया की मरामत सही, योग मुझे अहंकार दी है, उसके जो नुकसान हो गए दुनियावी, जो मुझे हंकारी समझते हैं वो मेरी बात नहीं समझते। और जो मुझे सचमुच ही सर समझते हैं कि मैं सत ज्ञान दाता हूं, वो जो जाग सत्संग सुन के उनको एक किसी की तस्कीन अकली मिल जाती है, फिर वो आते नहीं। इसलिए मानवता मंदिर का काम नहीं चलता, ये नुकसान है। मगर मैं इस नुकसान की परवाह नहीं करता। मेरे सामने एक ड्यूटी थी, ऋण था, मैंने उसको पूर्ण कर दिया। तुम आते रहती हो, भरम है, अज्ञान है, उसको मिटाने की कोशिश करो, मगर रहो बंधन में। बंधन को तोड़ देने के बाद अगर बंधन में नहीं रहोगे तो जिंदगी सुखदायी नहीं गुजरेगी, बेलुत्फ हो जाएगी। ये मेरी जिंदगी का अपना तजर्बा। कभी दाता ने मुझको लिखा था एक खत में, ज्ञान पाओ अज्ञान बन, बल पाए निबल बन, बंधन में रहता हुआ निर्बंध बन। यह है नुक्ता संत मत का, ज्ञान पाए अज्ञान बन। समझता हुआ इंसान एक रात को फिर बंधन में रहे, तब उसका जीवन सुख से गुजर सकता है। जो कबीर कहता है कि पड़ोस कड़ी को नादी दिल्ली वामिल कर चले गे छेद, कोई तखत तले का ना मिला जाते पूछूं भेद। तो मैं क्या करता, मैं तख्त करेगा, मैं करता क्या हूं उससे समय भेद देता राग दे। यही राजा स्वामी मत है, गुरु ने अब जीना भेद अगम का, सुरत जलील तब देश भ्रम का, भटकन छूटा गैरो हरम का, संशय भागा जन्म मरण का।
भक्ति भाव की महिमा न्यारी जानेंगे कोई संत विचारी। तो गुरु का काम सच्चा भेद है। तुम आए, ख्याल आया, 10-11 साल से तुमने जो पीछे चुप थे, मैं अपनी ड्यूटी को पूरी कर जाना चाहता हूं। तुम्हारी समझ में आए मेरी बात या ना आए इसका मुझे पता नहीं, मगर ये जो कुछ मैं आज कहता हूं ये इशारे किताबों में जाता जा रहे हैं, सत्संगों में मुझे दिए हुए 1981 में भी, 1981 में भी, फिर भी जब कभी गया मेरे नाम सब लिखने के उन्होंने भर दी। उस वक्त का उनका हमदर्दाना सच्चा हित दिया हुआ, यानी नाम दिया हुआ, नाम है क्या सच्चा हित देना किसी को? सच्चा भाव देना किसी को आजाद करने के लिए, उस वक्त का दिया हुआ आज बरसों लगे उसको डिवेलप करने के लिए। और मेरी बात समझ में आ गई, अगर इस वक्त तुम्हारी खोपड़ी में ना भी आए तो जिस तरह से गाता जा रहे मुझको मुख्तलिफ तर्ज़े बयानों से ज्ञान देने की कोशिश की, इस तरह से मैं हमेशा जब कभी तुम सत्संग में आते हो मैं अपनी नीयत से तुमको निर्बंध करने की कोशिश करता हूं। ये ख्याल दिया हुआ जाया नहीं जा सकता, जैसे कल पढ़ा था भंडारों में, दो महीने में संत डारिया बीत जाए घट धरनी जीव के, को समरस जो जार सके उस बीज को, कछु काल के मार बीजा अंकुर गए ऐसे ऐसे शब्द थे। तो ये जाया जाना नहीं चाहिए मेरा संस्कार दिया हुआ, क्योंकि मैं शुभ भावना से संस्कार देता हूं। तो सख्त तरह का कोई मिलता नहीं किसी को। इन लोग तो इन बातों से कि गुरु बाबा अंतर्यामी है, जीवों के अज्ञान का नाजायज फायदा उठाते हैं और अपना गलत मान और प्रतिष्ठा लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है, संस्कार काम करते हैं। जैसे जिसकी खास होती है कुदरत में वैसा सामान आ जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध है, इसके ऊपर दूसरों के ख्याल का शायद ऑटोमेटिक असर पड़ता हो, मुझे नहीं पता होता। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे नहीं जानते होंगे, शायद दूसरे महापुरुष जानते होंगे कि इसके दिल का ये ख्याल है, इसके दिल का ये ख्याल है। मैं इसको अनुमान कहता हूँ, मैं भी लोगों की फोटो देख करके कुछ भविष्यवाणी कर देता हूँ, ये नहीं। और वो भविष्यवाणियों की सौ की सौ ठीक होती है। अगली कड़ी करो, सख्त तले की तो कहे जो सख्त तले का हो रे, मंज महल की को कहे पर्दा का हो रे। कहते हैं वो जो असली राग है महल का, यानी कुदरत का, इतना पर्दा गया पड़ा हुआ है जीवों के दिलों के ऊपर, अज्ञान इतना फैला हुआ है कि वो जाता नहीं। मेरा नहीं गया परसों किसी को क्या करूं, ये तो किसी भगवान
جس پر ذرا آپ کر جاتی ہو یہ نعمت پائے اس کے ہے, اس سے زیادہ اور میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. کہنے کو تو میرے دماغ میں تو منظر لہراتا ہے. ایک مضمون پر مہینہ پر بولتا رہوں تو ختم نہیں ہوتا, مگر تمہارے لیے اتنا بہت کچھ میں نے کہہ دیا. اب اصل بات دیتا ہوں, دادا نے مجھ کو اصل بات دی تھی کہ راجا پھل جا کر پارا. میں تم کو کہتا ہوں نام بھول گیا تیرا, خوب دن جا کر ساگر پارا. گرو سے پیار بڑھایا تم نے, گرو کے لاتھ بہارا, گرو چیلا ایک ویوہار ہے. گرو کو اپنے مان کی ضرورت ہے, عزت کی ضرورت ہے, دولت کی ضرورت ہے, چیلے کو اپنے سوارت کی ضرورت ہے. دادا فرماتے ہیں گرو سے تم نے پیار بڑھایا, گرو چیلا ویوہارا. کٹ گئی کال کرن کی پھانسی, جنم دیوان ہارا. آب الگ ادم اپارا, نہیں کوئی گرو نہیں کوئی چیلا, آب ادم اپارا. جب یہ جان ہو جاتا ہے پھر نہ گرو رہتا ہے نہ چیلا رہتا ہے. ایک تتو ہے جس کے ہر ایک انسان نکل کے آیا ہے. گرو مل جاتا ہے جن کو, جن کے اندر سچائی تلاش ہوتی ہے ان کو پورا گرو ملتا, پورا جان ملتا. کیونکہ میرے پاس کتنے آدمی آتے ہیں, زیادہ گیا کے پاس کتنے آدمی جاتے ہیں, کیا سب کو یہ جان مل گیا؟ کیونکہ ان کو اس جان کی ضرورت ہوتی ہے. جیسی جیسی جس کی باسنا ہوتی ہے, بیس رات پرش یا مارا کی پرش کے پاس سے, وہ اپنی باسنا کے مطابق جتنا جس کا برتن ہوتا ہے, جس چیز کے وہ قابل ہوتا ہے, اتنا اتنا وہ برتن لے جاتا ہے. مانو کا مندر کی مدد کا ہمیشہ خیال رکھتے رہیں جہاں تک سنچے ہو سکے. اور میں تم کو کیا کہوں, راجا سوامی کرتا ہوں, آج بھی راجا سوامی, انت بھی راجا سوامی, پہلے بھی ذات کی پھر پیچھے سے بھی ذات رہ جاتی ہے. یہ مت کی اوستھا میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی گرو بن جاتا ہے, کوئی چیلا, کوئی باپ, کوئی ماں, کوئی چاچا, کوئی دایا, کوئی اکثر, کوئی ماتا ہے. جب بھی پھر قدر ہوتا ہے. آج میں بھی راجا سوامی سب کرم تھا اور پیچھے سے بھی چل کر سب کو راجا سوامی. ہاں جی چلو بولوں. میں نے اپنے ستسنگ میں کبیر کے اس شبد کا ناد بند بہتے ملے کرت کھجے جے چھیک, ایسا کوئی نہ مل رہا جو سچا دیتا بھید. میں نے اس ناد بندو کا ارتھ کیا ہے جو شبد کا ابھیاس دیتے ہیں اور جو دھیان کا ابھیاس دیتے ہیں. دنیا سننے والی حیران ہوگی کہ جو شبد کا ابھیاس دیتے ہیں یا دھیان یوگ بتلاتے ہیں, یہ کلیجے میں چھیک کیسے کرتے ہیں. دنیا کو
पूरे ज्ञान का, पूरे गुरु का अनुभव नहीं है। कितने ही आदमी है जो ध्यान करने में थक जाते हैं, उनका ध्यान नहीं बनता, या शब्द सुनने के लिए सिर पीट पीट के मर गए, उम्रें गुजर गईं, उनका शब्द नहीं खुलता। तो उनके शब्द के ना खुलने और ध्यान की शक्ति के ना बढ़ने का जो दुख है, वो है कलेजे छेड़ करना। पूरा गुरु उसे कहते हैं जो इंसान को शांति दे दे। पूरा गुरु, पूरा ज्ञान वो होता है जो इंसान को शांति दे दे। जो उसकी मोह मैया और भ्रम को दूर करके उसको तस्कीन कलब दे दे। इस संसार में अनेक प्रकार की प्रकृति वाले लोग हैं। कोई कर्म योग का अधिकारी है, कोई भक्ति योग का अधिकारी है, कोई ध्यान योग का अधिकारी है, कोई शब्द योग का अधिकारी है। इसलिए पूरा गुरु वो है जो जीव की प्रकृति को देखकर, उसके हालात को देखकर, उसकी नेचर की स्टडी करके उसको पीस दे दे। मकसद जिंदगी परम शांति और पीस है। मकसद जिंदगी साधन और अभ्यास नहीं है। जिस तरह से इल्म तिब या जागते में मसले डॉक्टरी का मकसद जिस्मानी सेहत का देना है, खास दवाइयों का खाना नहीं है। किसी भी दवाई से, किसी भी तरीके से, व्यायाम से, निर्चल किरो से, होम्योपैथिक से, किसी तरीके से जीव को सेहत देना ही डॉक्टरी असूल है या के नहीं है। ऐसे ही वो कबीर ने ठीक कहा है, सब दुनिया को जो एक ही रास्ता बताता है वो गुरु नहीं है। इस वास्ते गुरु मत में गुरु वाक्यम मूल मंत्रम है। गुरु का वचन, सत्संग का वचन ही मंजिल मकसूद है। इसका एक छोटी सी सबूत देता हूं। हमारे प्रेसिडेंट हैं मेजर जनरल जयसिंह, ये बड़े ऊंच कोटि की हस्ती हैं। 10-12 साल तक किसी चीज की तलाश में बड़े मुख्तलिफ साधुओं के पास करते रहे, मकसद पूरा नहीं हुआ। यहां बैसाखी का सत्संग हो रहा था, मैंने किसी ने कहा बैसाखी का सत्संग होता, उसने कहा मैंने बड़े महात्मा देखे, वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा जी तुम्हारा जाके तो देखो। वो आया, मेरे पार्षद से बड़ा प्रभावित हुआ, मेरे पास आया, कहते हैं महाराज ध्यान जिस तरह से लोग कहते हैं कृष्ण का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, मुझसे नहीं होता। मैंने बड़ी 5-10 साल स्ट्रगल किया। मैंने कहा तू भक्ति योग का अधिकारी नहीं है। क्यों? मैंने कहा तुम्हारी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य कायम है,
तुमको दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है, पैसा बहुत काफी है तेरे लिए। ये जो ये बताते हैं कृष्ण का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, ये करो वो करो, तुम इसके मुस्तक नहीं हो, लाख कोशिश करते रहो, तुम्हारे लिए और योग है। बस वो मेरी इस एक बात पर प्रभावित हो गया और काफी मेरी सेवा करता, मकान के साल की जितनी सफाई है सब वो कराता, जहाँ का उसने मैनेज प्रेजिडेंट पना कबूल कर लिया है, खिदमत करता है। ये है मेरे कहने का मतलब, पूरा गुरु पूरा सतगुरु पाया पूरी पाई युक्त संध्या खरंदिया करंदिया विचे पाई मुक्त। इस वास्ते गुरु की मामा सुखूब सिंह तुम आए, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार जो कुछ मैंने कहना था तुमको कह दिया, सबको राजा स्वामी आप अर्पण है ये मेरी, ला नहीं तन आप अर्पण है ये मेरी, मेरा नहीं तन आपका, ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है नहीं मन आपका, ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है मन आपका, मेरा तो कुछ भी नहीं है किस पद ममता करूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है किस पद ममता करूं, आपका तन है मन है और धन है आपका, आपका तन है मन है और धन है आपका, मन की चंचलता से क्यों दुख दिए मेरा नहीं, मन की चंचलता से क्यों दुख दिए मेरा नहीं, योग युक्ति आपकी है और साधन आपका, योग युक्ति आपकी है और है साधन आपका, आपके अर्पण है ये मेरा नहीं तन आपका, ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है मन आपका, भूलती मैंने जो समझा मेरे ही देह मन, भूलती मैंने जो समझा मेरे ही देह मन, अब तो ये सिर झुक रहा है और चरण है आपका, अब तो ये सिर झुक रहा है और चरण है आपका, आपके अर्पण है ये मेरा नहीं तन आपका, मेरा आपके अर्पण है ये राधा स्वामी। मौज की अब तक न आई थी समझ, राधा स्वामी मौज की अब तक न आई थी समझ, स्वामी पन है आपका और दास पन है आपका, स्वामी पन है आपका और दास पन है आपका, आपके अर्पण है ये मेरा नहीं तन आपका, ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है मन आपका। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सुमरन सबका आदि है, सुमरन सबका रंग, पिंगल जो सुमरन करे वही साधर और संग,
सुमरन सब का सार है, सतगुरु दिया बताए, पिंगल जो सुमरन करे बिगड़ी ने बनाए, सुमरन को चित दे नहीं मन चंचल भरमाए, पिंगल सुनर पात की कैसे गुरु को पाओ, सुमरन से तिल लगाए दे तन की शुद्ध विसराय, पिंगल सुमरन सहज श्री अपना जन्म बनाए, जो चाहे दीदार को सुमर सुमर गुरु नाम, पिंगल सुमरन से मिले मोक्ष अर्थ धन धाम, चार पदार्थ हाथ में नामे सुमरन सनी, पिंगल सुमरन की लागे गुरु कारणी, सुमरन सुमरन क्या करे समझ न आई बात, पिंगल सुमरन क्यों बने जब मन में उत्पात, सुख दुख एक समान करे चित्र की गति धाम, पिंगल सुमरन से मिले सहज ही गुरु नाम, सुमरन सबका मूल है शाखा जप तप ध्यान, पिंगल सुमरन में रहे शील संतोष की खान, सुमरन से मन लाइए मान मोह को भूल, पिंगल सुमरन के किए तन मन हो जो फूल, सुमरन से मन लाइए जैसे मणि भुजंगी, पिंगल मस्तक में रहे कभी न हो चित भंगी, सुमरन से मन लाइए जैसे कामी काम, पिंगल तू इस रह नहीं आठ पैर गुरु नाम, सुमरन से मन लाइए घट का पर्दा खोल, पिंगल मुख को बंद करे मुख को कबो न खोल, सुमरन से मन लाइए आंख कान मुख बंद, पिंगल यो सुमरन करे काटे यम का बंद, तीन बंद लगाए करे सुमरन से मन लाए, पिंगल भव की तरण का सुमरन सुगम उपाय, सुमरन मुख से क्या करे तोते की तीरत, पिंगल ये सुमरन नहीं दे बाहर के पट, शब्द में सुरत पिरोर दे ये सुमरत सुमरन से धान, पिंगल इस विद आप ही मन हो जाए शान, सुमरन सबका सार है सुमरन सबका मूल, पिंगल सुमरन साध ली इसको कभी न भूल, सुमरन से दुख जात है सुमरन से सुख होए, पिंगल सुमरन सार को विरला जाने को, जो सुमरे सो निकट गए नहीं सुमरे सो दूर, भूले लाखों कोस गए सुमरे निकट हजूर, सुमरन कबहु न भूलिए सुमर सुमर गुरु नाम, पिंगल गुरु की दया से पूरन हो सब काम। राधा सुन मूल ध्यान गुरु मूर्ति, मंत्र मूल गुरु साध, पिंगल मंत्र है वचन गुरु पूजा मूल गुरु पद, आकाश गुरु मूर्ति उज्जवल भानु समान, पिंगल कमलाकार चित्र सदा उसी का ध्यान, मस्तक गुरु बताइए हृदय गुरु का नाम, पिंगल इस विज जोर है व्यापे मोहन काम, मस्तक में जो गुरु नहीं मन में नहीं गुरु ज्ञान, पिंगल वो नर जगत में लहन पद निर्वाण, गुरु की आज्ञा में चले पाले गुरु के वैन,
पिन्नर धन्य वो पुरुष पावे नित सुख चैन। भूला जो गुरुवाक्य को गया विवेक विचार, पिन्नर सुजग में पसा व्याप्य रहा संसार। तेजा वृत्ति उत्तम मध्यम संयम ध्यान, पिन्नर अदर माधव के तीरक वर्त समान। आंखों के स्थान पर जान धारणा हो, पिंगल गुरु के रूप का निश्चय दर्शन हो। भजन का सुमरण ध्यान और भजन में अपनी चित को दाम, पिंगल चौथा पद मिले गुरुगम में विश्राम। भजन मूल सिद्धांत रहे भजन त्याग मत मित्र, सिंगल सुई सच्चा भजन गुरु ने सिद्धन रह चित। शब्द की डोरी पकड़ चले सुन घट अनहद बैन, सिंगल अनहद में रहे गुरु स्वरूप का बैन। सैन मंगन मंडल के बीच में शब्द रागन गोर, पिंगल मद माता रहे सुन अनहद का शोर। अनहद की तो हद नहीं हद में जापा दुख, हद बेहद दोनों तजे पावे पिंगल सुख। हद की बानी मुकुरे मस्तक में बेहद, पिंगल हद बेहद तजे सुई धुन अनहद। नित्य शब्द अभ्यास करे घर अशब्द का ध्यान, पिंगल शब्द के आसरी चर सत के मैदान। सत सत के दूर है सत गुरु का देश, पिंगल शब्द अशब्द में करे गुरु को आदेश। नीर और हाँ के बीच में सार शब्द को पाए, पिंगल गुरु से पूछ ले शब्द का सहज स्वभाव। शून्य शिखर में पाइए मान सरोवर झील, पिंगल करे स्नान नित धार क्षमानुगतशील। जहाँ बानी की गम नहीं जहाँ नहीं मन का मेल, पिंगल उस मैदान में जाकर निर्जन खेल। चंद्र नहीं तारा नहीं भानु का नहीं विस्तार, पिंगल गुरु का देश हो कर सत्संग विचार। शून्य शिखर के ऊपर गिर सुमेर कैलाश, पिंगल तू उस देश की धार ही है मैं आप। नहीं निरंजन जोच नहीं नहीं सवेरा सांझ, पिंगल गुरु का देश हो चर चर मन को मान। अंधकार तज ज्योत लखे ज्योत लखे घट धुन, पिंगल सुन अर्जुन कुछ अभ्यास करे अनहद सुते सुन सुन। राधा माया कर माया तो ठगनी बड़ी ठगत फिरे सब दे, जा ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आवे। माया छाया एक सी बिरला जाने को, भगता के पाछे लगे सम्मुख भागे सो। कबीर माया पापनी मांगे मिले हाथ, अनहो तारी झूठ कर लागी डोले साथ। मनहु तारी झूठ करे लागी सो डोले साथ। मोटी माया जब तजे जीनी तजीन जाय, पीर पैगंबर ओलिया जीनी सबको खाय। जीनी माया जिन तजी मोटी गई विलाय, ऐसे जन की निकट से सब दुख गहराय। कबीर माया जात है सुनो शब्द निज मोर, सखियों के घर साज जन सूमो के घर चोर। कबीर माया सूम की
देखत ही कालाड़, जोवा में कोड़ी गटे साई तोड़े हाड़। कबीर माया रूकड़ी लोपल की दातार, खावत कर चत मुक्त भये संचित नरक द्वार। खान खर्चन वो अंतरा मन में दिल के विचार, एक कवावे साधकु एक मिलावे चार। आधी आंधी आई प्रेम की डटी भर्म की बीच, माया ठाड़ी उड़ गई लगी नाम सौंपी। आशा आशा जग फंदिया रहे और दिल पटाए, गुरु आशा पूरन करे सकल आस मिट जाए। आसन मारे क्या हुआ मिटी न मन की आस, तेरी केरा बैल जो घर ही कोस पचास। आशा का ईंधन करो मनसा करो भभूत, जोगी फेरी से करो बुने आवे जो सूत। चौड़े बैठे जाए कर नाम धरा रणजीत, साहेब न्यारा देखिया अंतर्गत की प्रीत। कबीर माया मोहनी मोहे जान सुजान, भागे छोड़े नहीं तक तक मारे वान। कबीर माया पापनी लाले लावारा लो, पुरी पुरी कि नहुन भोगिया, पुरी कि नहुन भोगिया इसका अंत दियो। बहुत पसारा जिन कयो कर भो थोड़े किरिया, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। जो तू चाहे मुझको मत कुछ रखे आस, मुझ जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। कबीर जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो ये चाहे जगत को जगत गुरु वो दास। कबीर माया मोहनी भयं दियारी लोय, जो सो वैसो गुसरे गए रहे वस को रोय। कबीर माया डाकनी सब काहू को काय, दातो काड़े पापनी संतों संतों ने विजार। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खाड़, सतगुरु की कृपा वही ना तर करती भार। माया दासी संत की वो भी देरिया, हसी बिकसी और लातो छरी सुमर सुमर जगदीश। मीठी सब कोई खात है विसु लागे दाय, जीवन कोई पीवती सर्व रोग मिट जाए। माया तरवर त्रिवजेन सुख दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं फल भी का संताप। कबीर जग को क्या कहूँ भव जल बूढ़े दास, सत नाम को क्षण कर करे मनुष्य की आस। गुरु को छोटा जान कर दुनिया आगे दीन, जीवों को राजा कहे प्रजा के अधीन। जिनको साई रंग दिया कभी न होए कुरंग, दिन दिन बानी उजली चढ़े सवारा रंग। माया दीपक नर पतंग भ्रम माए परंत, कोई कहे गुरु ज्ञान से उभरे साधु संत। कंचन तजना सहज रहे सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई की सां दुर्लभ तजनीये। माया तजी तो क्या हुआ मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनि बड़ गले मान सवन को खाए। काला मुख कर मान का आदर लावे आए, मान बढ़ाई छोड़ करे रहे नाम सोलार। मान बढ़ाई कुकरी धर्मराज दरबार, दीन लकटिया बायरा सब जग खाए पार।
प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता तेरी हो। कबीर ऊंची नाक को ऐठत है संसार, ताते हरे हाथी किया नाक दिया गर चाय। बड़ी बड़ाई ऊंट की नजर जहां तक सांस, सब दे लदनी लाद के ऊपर चढ़े खवास। ऊंचे कुल में जन्मिया देव बरी अतुल, पर ब्रह्म को ना चढ़े बात गुण ना फूल। ऊंचे कुल के कारण है भूल रहा संसार, ठाकुर को क्या लाज करूं जब तन होगा चार। कबीर घर जाना नहीं जाना कुल परिवार, गधा होकर अवतरा मारा लाज कुमार। बड़ी बड़ाई ना सजे छोटा बाह कराय, जब दादा फुर्जी भया तेरा तेरा जाए। साई आगे सात साई सात सुहाय, भावे लंबे केस करे भावे गोट मुड़ाए। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच दे ताके हृदय आप। साचे कुरिन पति गई झूठे जग पते आए, गली गली गोरस फिरे मदरा बिकाय। सांच कहूं तो मारे ये तुरकानी जोर, बात कहूं पर लोक की कर गए पकड़े चोर। झूठे को झूठा मिले अधका बड़े सने, झूठे को साचा मिले तब ही टूटे। कबीर लज्जा लोक की बोला नानी सांस, जान बूझ कंचन तजे क्यों तू पकड़े कांस। साधु ऐसा चाहिए सांची कह बनाए, कह टूटे की फिर जुड़े बिन कई भ्रमण जाए। सांचे श्राप न लागई सांचे काल न खाए, सांचे को सांचा मिले सांचे माए समाए। जाकी सांची सुरत है ताको सांचा के, आठ पै तो सच गई साही सोनी मेल। सांचे बिना सुमरन नहीं भाव न वक्त न हो, पारस में पर्दा रहे कंचन के विद हो। अब तो ये कंचन भये तब हम होते कांस, सतगुरु की कृपा भई मन में उपजा सांस। प्रेम प्रीत का चोड़ना पहन कभी आना, तन मन का पल बारे जो कोई बोले सांस। जो तू साचा बानिया साची हाथ लगाए, अंदर दारू देर करे कूड़ा दूर बहाय। तेरे अंदर साथ जो बाहर कसना जनाए, जानन जानन हारा जानई अंतर्गत का भाव। देखा देना सज गए जो दिल साचा हो, साई के दरबार में पलान पकड़े को। राधा स्वामी कबीर संगत साध की घर और की ग्याद, संगत बुरी असाध की आठों पैरों पाद। निर्वेरी निष्कामता स्वामी से तीने, विषयों से न्यारा रहे साधु का मते। सिंहों के लेंडे नहीं हंसों की नहीं पास, लाखों की नहीं बोरियां साधु न चले जमात। सिंह साध का एक मत जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। जब को तेज घटे नहीं जो घन जुड़े घमंड, साधु वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड।
साधु कहावन कठिन है जो खाड़े की दार, डगमगाए तो गिर पड़े ने चल उतर पार। जोन चाल संसार की तोन साध की नाए, निम्न चाल करनी करे साध कहो मत ताए। नाटी दामन बांधी ने नारी सोने, कह कबीर सा साध की हम चरणन की खे। जागत में साईं बसे सो क्यों छाना हो, जतन जतन कर दाविए घटे नियारी हो। आवत साधन हरखिया जातन दिया रोय, कह कबीर वादास की मुक्ति कहाँ से होय। साधन भोजन पीत सौ दीजे साध बुलाए, जीवत यस है जगत में अंत परम पद पाए। साध हमारी आत्मा हम साधन के जीव, साधन में हमको यो रहे जो परमाद्य पीव। जो परमाद्य पीव गए जो रमिया सब ठोर, कठोरता बकता बहुत है मत काढ़े ते हो। साध नदी जल प्रेम रस ता पर छालू अंग, हे कबीर निर्मल भया साधु जन के संग। साब से सब होत है बंदे से कचुनाए, राई से पर्वत करे पर्वत आई मान। साहब समर समरथ नहीं गरुआ गैर गंभीर, अब मनु में ठे गुण गए छन को तारे तीर। ना कुछ किया न कर सका न करने जोग शरीर, जो कछ किया सुहर किया वे कबीर कबीर। ना कुछ किया न कर सके नहीं कछ करने जो, जो कुछ किया सुहरी किया दूजा था पहलो। जो कुछ किया सो तुम किया मैं कछ किया ना, मैं आँखों में किया तुम ही थे मुझ माए। धन धन साईं तू बड़ा तेरी अनुपम रीत, सकल भुवन पत साईया फिर भी अगम अतीत। जिसके तू जिसके कोई संग नहीं तिसका तू सब हो, सब पर तेरा हुक्म है मैं तिसके नहीं को। इत कुआ उत बावी इत उत था होता, दूध से अपना फन करे समुरत पार निवाव। घट समुद्र लख ना पड़े उठे लहरे पार, दिल दरिया समरथ बना कौन लगावे पार। मेरा किया न कुछ बया तेरा किया हो, तू करता सब कुछ करे करता और न कोय। अब गुण हारा गुण नहीं मन का बड़ा कठोर, ऐसे समरथ साईया ताहे लगावे ठोर। तुम तो समरत साईया गह कर पकड़ो बाँ, धुरही ले पहुंचाई हो मत छोड़ो मगमाए। बुराद देखन में चला बुरान मिलिया को, जब दिल खो जाए अपना मुझ सा बुरान को। कबीर सब से हम बुरे हमसे भला सब को, जिन ऐसा कर बुझिया मित्र हमारा सोय। धरती सब कागज करूं लेखन सब बन राय, सात सिंह की मत करूं हर गुण लिखा न जाए। मुझ में इतनी शक्ति कहां गाऊं गला पसार, बंदे को इतनी गनी पड़ा रहे दरबार। सात दीप नौ खंड में तीन लोक ब्रह्मंड, कह कबीर सब को लगे दीर्घ दरे का दंड। दीर्घ दरे का दंड जो सब काऊ को हो,
ज्ञानी भुगत ज्ञान से अज्ञानी रे रोवे। भूप दुखी अवधू दुखी दुखी रंक विपरीत कह कबीर ये सब दुखी सुखी संत मन जीत। साही तुझ सेवा कारी नाय बिकाय जाके सिर पर तू दनी लाखों मोर कराए। बालक रूपी साई हां खेले सब घट माए जो चाहे सो करत गए बवकाऊ को नाय। साई मेरा बानिया सहज कर गो पार बिन दंडी बिन पालड़ा तूल सब संसार। राधा स्वामी कबीर नौबत अपनी दस दिन ने वो बजाए वो पुर पाटन ये गली बोरन देखो और सातों शब्द बाजते घर घर होते राग ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। ऊंचा महल चुनावते करते होड़म होड़ सुवरन कली डलावते गए पलक में छोड़। पत तत्व का पूतला मानस दरिया नाम जिनाचार के कारण फिर रो कैठाम। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरा लाल जिनाचार का पेखना बिनस जाएगा काल। कबीर मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेती नाम उजड़ जाए बसाएंगे छोड़े बसंता गाम। मीत बिसारी बाबरे अचरज की ना कौन मौत बिसारी बाबरे अचरज की या कौन। तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नोन। जन्म मरण दुख याद करी कूड़े काम निवार जिन जिन पंथों चालना सोई पंत समार। कबीर खेत किसान का मिर्गा काला जार खेत बेचारा क्या करे जो धनी करे नहीं बाढ़। क्या किए हम आए के क्या करेंगे जाए उतके भय न उतके चाले मूल गवाए। कबीर गुरु की भक्ति विने नार कुकरी हो गली गली घूम सत फिरे तू कुन डारे कोन। कबीर गुरु की भक्ति विने राजा गदगा हो माटी लगे कुमार की घास न डारे कोन। काया मंजन क्या करे मुकुरा दो यम दो उज्जल हुआ तो छूट सी सुखरी दड़ी में सोय। उज्जल कहने का पुरा पान सुपारी खाए कह कबीर की भक्ति दिन कह कबीर गुर की भक्ति दिन बांधा यम पुर जाए। मोर तोर की जेवरी बटवांदा संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। मोर तोर की जेवरी बटवांदा संसार दास कबीरा क्यों बंधे पाया नाम आधार। जुड़ जाना जस गेरो को सो क्यों तोड़े मित्र जैसे पर पाहुना रहे उठाए चित। दुर्लभ मानस जन्म ने देखन बारंबार सरवर जो पत्ता दरे बोरन लागे डाल। आईने सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात सरी जगीर। सत्य नाम जाना नहीं हुआ जो बहुत अकाल भूल मरेगा बापुरा बड़े बड़ों की लाज। सत्य नाम जाना नहीं
चुकार की गात माटी भया कुमार की घनी सहजालात नमो सतगुरम सच्चिदानंद रूपम नमो अद्भुतम अद्वितम अनुपम नहीं रूप कोई सब रूप तेरे तेरे सब पर जा और रूप तेरे धरातन तपता जब कुछ कया दुखी जीन को अंग अपने लगाया दिया संग सबका मिला सबका जीवन तेरे नाम पर की सम्मान है और राजा स्वामी चरण से अच्छी तरह कहते हैं तुम्हारा।